तो महामारी का बोर्डर सर। तो कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार का जांच हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है। कोई जांच कभी जाते हैं हम लोग? तो जांच कभी हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ। कभी जांच नहीं हुआ? मेडिकल टीम कभी देखे आप यहाँ? नहीं देखे। मोहरमारी में भी देखा जा रहा है, मोहरमारी डिजिटल बैंक में भी जो है, हम लोग जब गए थे वहाँ पर कोई टीम मेडिकल की टीम वहाँ पर नहीं थी, वही भेजा था अभी ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दावों के बावजूद कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। सीमावर्ती जिला किशनगंज में कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। भारत नेपाल सीमा से लगने वाली ठाकुरगंज, टेरागाच और दिगलबैंक प्रखंडों के 9 अलग अलग चेक पोस्टों पर निगरानी के लिए चिकित्सकों की टीमों की तैनाती करने का दावा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सोमवार यानी 16 मार्च को जब हमारी टीम इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित दिगलबैंक प्रखंड के मोहरमारी चेक पोस्ट पर पहुंची, तो बॉर्डर पर एसएसबी के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात तो नजर आए, मगर स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली। बॉर्डर पर चिकित्सकों की कोई टीम नजर नहीं आई। इंडिया से है, नेपाल का रहने वाला है, नेपाल का है, नेपाल के रहने वाले हैं। तो ये कौन सा बॉर्डर है? कौन बॉर्डर है? तो महामारी का बॉर्डर सर। तो कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार का जांच हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है। कोई जांच कितने दिनों से आना जाना कर रहे हैं आप यहाँ? अभी दिन तो गए थे, अभी आना जाना नहीं होता है सर। कभी कभार आते हैं तो कभी जाते हैं हम लोग। तो जाँच कभी हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ। कभी जाँच नहीं हुआ? मेडिकल टीम कभी देखे आप यहाँ? नहीं देखे। फिलहाल तो फैला सर। जांच होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। रहे हम सर नेपाल का झापा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं सर जी। हम अभी दिगलबैंक बिहार दिगलबैंक से लौट रहे हैं सर। तो ये बताइए, जो जब आप आवाजाही करते हैं तो यहाँ पर कोई मेडिकल टीम आपको नजर आता है एसएसबी के अलावे? नहीं सर, मेडिकल टीम नहीं हो रहा। नहीं। तो कोरोना वायरस को लेकर क्या जानकारी है अभी नेपाल में? नेपाल में अभी सर कोरोना वायरस को लेकर बहुत सीरियस माना जा रहा है। ठाँव ठाँव जगह जगह उसका क्या बोलते हैं स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है सर। अभी भी हमारा उधर एक तो से दूसरा नाका भी है नज़दीक में, जैसा 4-5 किलोमीटर दूर होगा। तो नेपाल में जांच हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। नहीं तो बिहार में क्या स्थिति, इस बॉर्डर पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर तो नहीं देखा जा रहा सर, दूसरी तरफ है ना, क्या हमने नहीं कह सकते सर। तो अगर जाँच नहीं हो तो क्या परेशानी हो सकता है? परेशानी तो बहुत हो सकता है सर। क्या बहुत? आदमी मर भी सकता है सर, ये महामारी की तरफ फैल भी सकता भारत है, भारत में घुस सकता है अगर नेपाल के किसी का नागरिक हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। मोहरमारी में भी देखा जा रहा है, मोहरमारी डिजिटल बैंक में भी जो है, हम लोग जब गए थे वहाँ पर कोई टीम मेडिकल की टीम वहाँ पर नहीं थी, वही भेजा था अभी ना, वो भेजा है। लेकिन फिर भी हम इसको इंक्वायरी करेंगे, उम्मीद रखा जाए कि कल हम जाएंगे डिजिटल बैंक से, हम स्टार्ट होंगे। क्योंकि सर ये महामारी का रूप ले लिया, अगर एक बार घुस जाता है तो पूरे सर एक, मैं आपको रिकॉर्ड बताते हैं कि चाइना में एक आदमी 10,000 आदमी को इन्फेक्ट कर दिया। ये उतना फर्टिलिटी रेट नहीं है, लेकिन इट इज हाईली कंटाजियस। बिहार के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती देश नेपाल में इस रोग के केस प्रतिवेदित हो चुके हैं। साथ ही राज्य के कई जिलों से विदेशों में लोगों का आना जाना लगातार होता रहता है, जिससे यहाँ भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मैं मीडिया के लिए किशनगंज से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।